हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो में कंजंक्शन अनुसार एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम 36 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो भी वीडियो हम डालते हैं वो समय पर मिल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू विल गेट द प्राइज, यू डिजर्व इट। आपको प्राइज मिलेगा अगर आप उसको डिजर्व करते हो, आप उसके हकदार हो। यू विल गेट द प्राइज, ऑप्शन है अनलेस, सिंस, इफ, टिल। यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। व्हेन यू आर कॉल्ड, जब आपको बुलाया जाता है, यू मस्ट कम इन, तो आप आ जाएं। जब भी आपको बुलाया जाए कैसे आ जाएं, एट वंस, सून, इफ, टिल। When you are called, you must come in advance. Advance means immediately. When you are called, you must come in at once. There are some local traditions that you will never understand. You live here. यहाँ पे कुछ local रवायतें हैं, tradition है, जिन्हों को आप कभी समझ नहीं पाओगे। कब तक? Unless you live here, because you live here, if you live here, till you live here, unless you live here. Answer, unless. अगर time की बात हो तो until you live here, अभी condition की बात है, आपने सीखना है कुछ। तो unless you live here, you will not, there are some local tradition that you will never understand unless you live here. अगर time की बात होती तो until आना था। I waited. The train arrived. I waited. ट्रेन अराइव्ड, जितनी देर तक ट्रेन पहुंची मैं वेट करता रहा। यहाँ समय की बात है, यहाँ पे अनलेस नहीं आना है, बिकॉज नहीं आना है, इफ नहीं आना, टिल। आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड। ब्रेड, ब्रेड मिल्क इज होल्डसम फूड। ब्रेड और मिल्क होल्डसम हेल्दी फूड है। विदाउट, बिफोर, टिल, क्या आना है? ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क इज होलसम फूड। इट विल बी 3 months, इट विल बी 3 months, ये 3 महीने हो जाएंगे। आवर हाउस, जब हमारा हाउस कंप्लीट होगा। तो अभी समय की बात हो रही है, अनलेस तो आना नहीं, इफ, टिल, इफ। इट विल बी 3 months बिफोर आवर हाउस इज कंप्लीट। अब हमारा हाउस कंप्लीट होने तक, होने से पहले 3 महीने हो जाएंगे। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, आई सॉ यू। जब से मैंने देखा बहुत चीज़ें वापरी हैं, घटी हैं, बहुत कुछ हुआ है। अनलेस आई सॉ यू, सिंस आई सॉ यू, इफ आई सॉ यू, टिल आई सॉ यू, क्या है लगेगा? मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने देखा है। आपके देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आई रिटर्नड होम, ही हैड गॉन, Unless he had gone, after, if, till. I returned home after he had gone. उसके जाने के बाद मैं घर पे वापस आया। I returned home after he had gone. Students will leave. The bell rings. कब चले जाएंगे? चले जाएंगे जब घंटी बजती है। The students will leave unless, तो समय के पास साथ आता नहीं, if, till. The student will leave एज सून एज, जब भी घंटी बजती है उसी वक्त सून स्टूडेंट चले जाएंगे, छोड़ देंगे स्कूल को। स्टूडेंट्स लीव एज सून एज, जब भी होती है उसी के इमीडिएटली बाद। इधर ही इज मैड, ही फेंट्स मैडनेस, जाओ पागल है, जहाँ फेंट्स में नाटक करना, जहाँ मैडनेस का, पागलपन का नाटक करता है। इधर ही इज मैड, इधर के साथ जो आता है कम्बिनेशन इधर और Either he is mad or he feigns madness. जाओ पागल है, जहाँ पागलपन का नाटक करता है। Neither a borrower, lender be, or nor if else. Neither के साथ जो आता है combination, neither or nor, जैसे either or वैसे neither or nor. Neither a borrower nor a lender be, ना ही उधार लेने वाले बनो, ना ही उधार देने। लेंडर जो उधार देता है, बारोर जो उधार लेता है,
ना उधार दो ना उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले बनो। आई विल सेल इट, मैं इसको बेच दूंगा। आई फाइंड ए बायर, जदों मुझे बायर मिल गया, पान ढूंढ लिया। सिंस इफ टिल, आई विल सेल इट एज सून एज, जब भी मुझे बायर मिलता है मैं उसी वक्त उसको बेच दूंगा। आई विल सेल इट एज सून एज आई फाइंड ए बायर। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। डू आई विश टू बी, ना मैं बनना भी नहीं चाहता हूँ। अनलेस नीदर नॉट और, नॉट नॉट के बीच नॉट आता है, उसके बाद और नेगेटिव बात करनी हो तो वहाँ भी नॉर ही आता है। तो आई एम रिच नॉर डू आई विश टू बी रिच। तो जब आप पहले एक नेगेटिव हो उसके बाद और नेगेटिव बात करनी हो तो वहाँ पे नॉर यूज़ किया जाता है। आई विल बी हेयर ही इज़ हेयर, आई विल बी हेयर ही इज़ हेयर, मैं यहाँ पे हूँगा तब तक वो यहाँ होगा। कब तक? अनलेस ही इज़ हेयर, एज लॉन्ग एज ही इज़ हेयर, वेन ही इज़ हेयर, टिल ही इज़, एज लॉन्ग एज, जितनी देर तक वो यहाँ पे है मैं भी उतनी देर तक यहाँ पे रहूँगा। आई विल बी हेयर एज लॉन्ग एज ही इज हेयर। ही वॉज नॉट हेयर देयर, ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था मैंने उसके भाई के साथ बात की। क्या? अनलेस ही वॉज हेयर, एज ही वॉज नॉट देयर, वेन ही वॉज नॉट देयर, टिल ही वॉज नॉट देयर। यहाँ पे एज, एज का मीन सिंस होता है। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं था, बिकॉज वो वहाँ पे नहीं था मैंने उसके उसके भाई के साथ बात की। ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस तो आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, कैन नॉट बी रिड्रेस्ड, ग्रीवेंस के साथ जो वर्ड रिड्रेस ही आता है ऑलवेज, उसको ठीक करना, उसको हल करना, आपकी कंप्लेंट का हल नहीं किया जा सकता। दे आर नोन, बिकॉज दे आर नोन, इफ दे आर नोन, टिल दे आर, ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नोन, जितनी देर तक आप उसको बताते नहीं जब तक, उतनी देर तक हम ग्रीवेंस को, आपकी जो ग्रीवेंस है, कंप्लेंट है, उसका हल नहीं निकाला जा सकता, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी चला गया। आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं टायर्ड था, थका हुआ था। आई लेफ्ट अर्ली, अनलेस, अनटिल, बिफोर। आई लेफ्ट अर्ली फार आई वॉज, फार मीन सिंस भी होता है, बिकॉज भी होता है, बिकॉज आई वॉज अर्ली, आई बिकॉज आई वॉज टायर्ड, जब फार आई वॉज टायर्ड, आई लेफ्ट अर्ली, आई लेफ्ट अर्ली फार आई वॉज टायर्ड, फार मीन बिकॉज। वॉक क्विकली, जल्दी चलिए, तेज चलिए, तेज चलिए। यू विल नॉट ओवरटेक टेक हिम, क्या होगा? वॉक क्विकली एल्स, अन्यथा आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे, उससे आगे निकल नहीं पाओगे। तेज चलिए, अदरवाइज, अन्यथा आप उससे आगे नहीं निकल पाओगे। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। ही राइड स्लोली नीटली अनलेस और बट टिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंट्रास्ट की बात हो रही है। शी राइड स्लोली बट नीटली, वो स्लो लिखती है बट उसको साफ सुथरा और साफ साफ लिखती है, नीटली लिखती है। यू विल फेल, यू वर्क हार्डर, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते तो आप फेल हो जाएगा, बिकॉज इफ टिल। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, इतनी देर तक जब तक आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सख्त काम नहीं करते, तो आप फेल हो जाओगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, मैं आपको कोई पैसा नहीं दे सकता हूँ। आई हैव नन, बिकॉज मेरे पास कोई है नहीं। रीजन फार वैन इफ टिल, क्या आएगा यहाँ पे? फार। आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फार आई हैव नन सिंस आई हैव, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा। कब? आई फिनिश माई जॉब इन हैंड, जो मेरे हाथ में काम है जब मैं उसको ख़त्म कर दूंगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। मीन्स अनलेस नहीं है, इफ नहीं है, टिल नहीं, एज सून एज, जितनी जल्दी, जब भी मैं, एज सून एज, जब भी
मैं अपना काम खत्म करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू एज सून एज आई फिनिश माई जॉब इन हैंड। वी ईट सो वी मे लिव, हम खाते हैं सो ताकि हम जीवित रह सकें। वी लिव्ड सो बिकॉज सो एज सो टिल, सो एज मैनर की बात है, यहाँ पे सो दैट पर्पज़ की बात हो रही है। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं इसलिए हम जी सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं आई शुड फॉल, कि मैं गिर ना पड़ूँ। उसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, कि मैं गिर ना पड़ूँ। अनलेस लेस्ट इफ टिल, ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट, कि मैं गिर ना जाऊँ। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। आई विल गेट टू द फुट ऑफ द हिल, जो पहाड़ी के नीचे है वहाँ तो चल जाऊँगा, जो बिल्कुल उसकी नीचे वाली फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी जहाँ से शुरू होती है। डान, सुबह से पहले, मैं डान मीन सुबह होने से पहले पहाड़ी के जो नीचे चला जाऊँगा यहाँ। अनलेस इफ टिल, आई विल गेट टू फुट ऑफ द हिल बिफोर डान, डान होने से पहले, दिन सुबह होने से पहले मैं पहाड़ी के नीचे पहुंच जाऊंगा। ही वॉज सॉरी, कब सॉरी था, ही हैड डन इट, इसको करने के बाद, आफ्टर बिफोर सिंस टिल, ही वॉज सॉरी आफ्टर ही हैड डन इट, वो करने के बाद कुछ ने उसने कोई काम किया उसके बाद उसने सॉरी फील किया। ही वॉज सॉरी आफ्टर ही हैड डन इट। आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कॉल मी, आपने मुझे बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं। Unless, if, till, I did not come because you did not call me, आपने मुझे, मैं इसलिए नहीं आया, मैं आया नहीं क्योंकि, because, क्योंकि आपने मुझे बुलाया नहीं। I did not come because you did not call me, I feel any doubt, I ask, अब मुझे कोई doubt होती है तो मैं पूछता हूँ, कब पूछता हूँ, unless, because, till, if, If I feel any doubt, अगर मुझे कोई doubt होती है, शक होती है, तो मैं पूछ लेता हूँ। If I feel any doubt, I ask. He will keep doing that, वो करता रहेगा वो चीज़। Someone tells him that he cannot, जब तक उसको कोई ये नहीं बताता कि आप ये नहीं कर सकते, he will keep and doing that until, if बिफोर, until, कब तक, यहाँ पे क्या आएगा, until, he will keep on doing that, he will keep doing that until someone tells him that he can, उस समय तक वो करता रहेगा जब तक उसको ये नहीं बताता कि भाई इसको आप नहीं कर सकते हो। He is richer, ज़्यादा अमीर है, unless than, ये तो सीधा ही है। He is richer than I am, मेरे से जितना मैं अमीर हूँ उससे ज़्यादा वो rich है, अमीर है। ही इज़ रिचर दैन आई एम। माई ग्रैंड फादर डाइड, मेरे ग्रैंड फादर की डेथ हो गई थी, कब, आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने से पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। माई ग्रैंड फादर डाइड अनलेस इफ टिल, माई ग्रैंड फादर डाइड बिफोर आई वॉज बॉर्न। टॉम नॉर मैरी विल हैव लंच विद अस टुमारो, कल, ना ही टॉम ना ही मैरी हमारे साथ लंच करेगा, क्या आ जाएगा, नीद, नॉर, नॉर से पहले क्या आता है, नीदर, नीदर टॉम नॉर मैरी विल हैव लंच विद अस टुमारो, कल, ना ही टॉम ना ही मैरी हमारे साथ लंच करेंगे। आई वुड डाई, आई लाइड, झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊंगा। अनलेस इफ टिल, आई विल डाई बिफोर आई लाइड, झूठ बोलने से पहले मैं मर जाऊंगा, मीन्स मैं झूठ नहीं बोलूंगा जीते जीते। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, इफ नहीं आएगा यहाँ पे। आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत, मैं बहुत भूखा हूँ। द फ्रिज इज एम्प्टी, भूखा हूँ पर क्या है, दोनों चीज़ें कंट्रास्ट की बात हो रही है। कंट्रास्ट जब आता है वहाँ पे क्या आता है, बट आता है, बकाद नहीं, अनलेस नहीं, ये टिल नहीं, ठीक है,
ये नहीं आएंगे। आई एम हैंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, कंट्रास्ट के लिए बट आता है। द मीटिंग कुड बी 2 आवर्स, क्या है बिफोर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, एज लॉन्ग एज, टिल। द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज, इतनी लंबी हो सकती है, 2 घंटे तक की लंबी हो सकती है, 2 घंटे चल सकती है। द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे तक चल सकती है। वी हैड फिनिश्ड शॉपिंग, इट बिगैन टू रेन, जब हमने शॉपिंग फिनिश की, शॉपिंग कर ली, तो रेन होना शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई। सिंस, आफ्टर, टिल, ऐसे सिचुएशन में क्या आता है, जब एक के बाद दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है एक्शन। एज सुन एज वी फिनिश्ड शॉपिंग इट बिगैन टू रेन, एज सुन एज वी फिनिश्ड शॉपिंग इट बिगैन टू रेन, जब भी हमने शॉपिंग ख़त्म की उसी वक्त रेन शुरू होगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपने कुछ सीखा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।